देखिए एडुकेशन तो ज़रूरी है, इंसान को तीन चाहिए, रोटी कपड़ा मकान, उसके बाद एडुकेशन। आज के दिन में पहले एडुकेशन चाहिए, बिना एडुकेशन से हम लोग बहुत पीछे चला जा रहा है, बच्चा लोग बहुत पीछे चला गया। एडुकेशन बहुत मस्ट है और बच्चा लोग का तालीम देगा, हर पेरेंट्स का मैं रिक्वेस्ट है बच्चा लोग को तालीम दीजिए, एडुकेशन सिखाइए। देखिए मुसाफ भाई तो अच्छा काम कर रहा है, तारिक भाई भी काम कर रहा है, अपने आपका साथ में रहियान भाई भी है, ये भी काम कर रहा है, अपने सारे बंदा IHRC का जितना भी बंदा है, इंटरनेशनल ह्यूमन काउंसिल बंदा है, सारे को काम करता अच्छा। हम लोग का काम है मानव सेवा करना, हम लोग का कोई पैसा लेने का काम नहीं है, हम लोग किसी को मदद करता है कोई पैसा नहीं लेता है, फ्री में करता है, ये हम लोग का काम है, इसलिए संगठन खुला है। देखिए हम लोग का तो प्लान आगे चलता ही रहता है, हम लोग ऑलरेडी मेडिकल में फ्री में देता है, अभी जो भी पेशेंट आता है हम लोग कोशिश करते हैं मेडिकल में फ्री में कराने का, अभी हम लोग PG में कोशिश किया, PG में शायद फ्री हो जाएगा, कलकत्ता मंगूर हॉस्पिटल में वहाँ भी फ्री में कराए, हेल्थ और एडुकेशन हम लोग आगे काम कर रहे हैं, आगे इंशाल्लाह देखता हूँ क्या होता है। आगे पूछिए, मेरा नाम है मैनुअल मुल्ला, इंटरनेशनल ह्यूमन काउंसिल का प्रेसिडेंट है। थैंक यू सर। हमारा मकसद ये है, एजुकेशन अवेयरनेस का जो प्रोग्राम किए हैं, हमारा मकसद ये है कि लोगों को जागरूक कराएं कि आप अपने बच्चों को तालीम के लिए आगे बढ़ाएं, हमारा मकसद ये है। और ये हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल, हमारे इनके सरबराह जो वेस्ट बंगाल के हैं जनाब मोइनुल हक साहब, ये भी हम लोग का काम के लिए बहुत ही आगे बढ़ा रहे हैं और हौसला अफजाई कर रहे हैं कि आप ये सब काम को आगे बढ़ाओ और आगे बढ़ाते रहो। और जो इंसान का इंसानी हकूक़ है, मानव अधिकार, ह्यूमन राइट्स जो है, इंसान का जो हक बनता है, ये लोगों तक पहुंचाओ, क्योंकि ऐसे भी ये मैसेज ह्यूमन राइट का ये आने में बहुत काफ़ी विलम्ब हो चुका है। हमारा ये ह्यूमन राइट सन 1993 में लागू हुआ, जबकि 1948 में इसको अडॉप्ट किया था, जबकि इसमें बहुत काफ़ी देर हो चुकी है। तो अब धीरे धीरे संस्थाएं जो आ रही हैं, धीरे धीरे लोगों को जानकारी दे रही हैं सभी बातें हैं ह्यूमन राइट्स के प्रति, इंसानी हकूक़ के लिए। तो इस पर हम लोग काम कर रहे हैं कि हम लोग किस तरह से लोगों को सारी बातों से अवगत कराएँ, और यही हमारा मकसद है कि लोगों को जागरूक कराएं इंसानी मानव अधिकार और ह्यूमन राइट्स का जो एक कर्तव्य बनता है। मैं उसका इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल का मैं प्रेसिडेंट हूं कोलकाता नॉर्थ का यूथ का। तो हमारा मकसद यही है, पहला मकसद यही है कि एजुकेशन के ओर लोगों को लाएं, और हम ला करके ही रहेंगे, हमारा यही मेन लक्ष्य है जी। शुक्रिया, धन्यवाद। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल के तरफ से आज एडुकेशनल अवेयरनेस प्रोग्राम किया गया है। एडुकेशन क्या है? एडुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल टूल विच कैन चेंज द इंटायर वर्ल्ड। हमें एक्चुअली एडुकेशन्स को इस तरह फैलाना है अपने इंटरनेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल के माध्यम से, कि जो लोग एडुकेशन नहीं ले पा रहे हैं, जो लोग अंदर प्रिविलेज लोग हैं, जो चाहते हैं कि मैं आगे बढ़ूं, मैं पढ़ने लिखने में बहुत काबिलियत रखते हैं, तो उन्हें मौका नहीं मिल पाता, तो हमारा इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल आगे बढ़कर उनका मदद करता है। आप तो जानते हैं कि रोटी कपड़ा मकान के अलावा अगर ज़िंदगी में किसी चीज़ की अगर सबसे अहम ज़रूरत है तो वो है शिक्षा, एडुकेशन। देखिए नॉलेज एक ऐसा चीज़ है, वो एक फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट है, और जिसका डिविडेंड आपको टिल द एंड ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के अंत तक आपको मिलेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ अपने जनता TV के माध्यम से कि आप लोगों को किसी भी तरीके का दिक्कत हो रही है एडुकेशन के मामले में, तो आप लोग मुसाफ भाई हैं, हमारी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल के वेस्ट बंगाल के प्रेसिडेंट मोइनुल हक मुल्ला हैं, आप उनसे रब्ता करिए। उम्मीद यह है कि वो लोग इस फील्ड में ह्यूमन राइट्स के माध्यम से लोगों को सेवा करने के लिए कभी भी पीछे नहीं हटे, हमेशा आगे बढ़ें। भाई हैरत है, और अपनी हैरत का ख्याल हम इस बात से करेंगे कि असदुल्ला खान गालिब का मिसरा है कि हमको उनसे वफा की है उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है। हमने जो स्टेज पर बैठे हुए, ये एजुकेशन अवेयरनेस के स्टेज पर बैठे हुए लोगों को देखा तो बड़ी खुशी हुई। उसमें
ये जो एजुकेशन की पॉलिसी नहीं ली गई है इसमें कितनी बड़ी सियासत है इसका अंदाज़ा इसी से किया जा सकता है कि अगर हम खुशफहमी में मुब्तला हैं तो जिसने एक काम भी अच्छा ना किया हो और जो उसी पर ये कहा जा सकता है कि हमको उनसे वफा की है उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है। तालीम जो है वो कौन दे सकता है। अभी स्टेज पर बैठे हुए लोगों में से सिवाय दुबे के जो केंद्रीय विद्यालय के प्रेसिडेंट बन रहे हैं प्रिंसिपल हैं उनके अलावा कोई नहीं बता सकता है कि एजुकेशन मिनिस्टर है कौन। देखिए आज इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के तरफ से राजा बाजार में एक एजुकेशन अवेयरनेस प्रोग्राम हो रहा है। एजुकेशन बहुत ही ज़रूरी है, हर घर में ज़रूरत है इसकी, और इसके लिए फील्ड में हमारे नॉर्थ कलकत्ता के प्रेसिडेंट मोहम्मद मोसाब अली और वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद तारिक भाई ये लोग बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। वो चैनल 10 जनता टीवी और चैनल है हाँ वो सभी चैनल को सभी दर्शकों को गुलाम रब्बानी का हार्दिक शुभकामनाएं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल की तरफ से जो आज एजुकेशन अवेयरनेस का प्रोग्राम रखा गया मैं बहुत ही चंद लफ्ज़ों में इस प्रोग्राम को मैं समेट देना चाहता हूँ आपकी बातों को कि एक बंदा जो है वो एक जो अनपढ़ बंदा होता है जो अनपढ़ होता है वो एक नाम लेता है उसका नाम होता है जलील एक मुस्लिम का नाम है जलील ठीक है। वो जलील को एक अनपढ़ आदमी बोलता है जलील तो वो जलील को जलील ना कर दे उसी के ऊपर में ये प्रोग्राम रखा गया है ताकि आप अपने बच्चों को पढ़ाएं आला से आला तालीम दें ताकि वो आपका नाम को रोशन करे आपके ख़ानदान का नाम को रोशन करे आपके देश के नाम को रोशन करे अपने मोहल्ले का नाम को रोशन करे अपने स्टेट का नाम को रोशन करे। तो ये एजुकेशन अवेयरनेस प्रोग्राम इसीलिए रखा गया है ताकि लोग कम से कम लोगों का नाम को सही तरीके से लें। आई वॉन्ट टू स्टार्ट बाई प्रेजिंग अल्लाह सुबहाना ताला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो एजुकेशन का जो बेसिक एजुकेशन सबके लिए बेसिक नीड है सबका बहुत सबके लिए बहुत ज़रूरी है एजुकेशन। और एजुकेशन के लिए हम लोग को किसी पर डिपेंडेंट रहने का ज़रूरत नहीं है। अभी जो एरा चल रहा है इंटरनेट का मॉडर्न ज़माना हो गया है तो हम लोग किसी पर डिपेंडेंट रहेंगे कोई भी इंस्टीट्यूट स्कूल कॉलेज तो हम लोग का ग्रोथ होगा नहीं। हम लोग को खुद पर डिपेंडेंट रहना होगा और इंटरनेट के थ्रू बहुत सारा चीज़ एक एलॉन मस्क है उन्होंने कहा यू कैन लर्न एनी थिंग विदाउट एनी कॉस्ट जीरो कॉस्ट में आप कुछ भी सीख सकते हैं। और वो मेरा जो मैसेज है इस मंच के माध्यम से ये मैसेज समाज के हर एक तबके के लोगों तक जाना चाहिए कि जो नई चेंजेस आए हैं और आने वाले हैं उसके प्रति हम सभी को तैयार होना है और समाज के सभी वर्गों को पर्टिकुलरली जो हमारे पेरेंट्स हैं उनको साथ में लेकर के ये नई शिक्षा नीति को इम्प्लीमेंट करना है और एक इसे नई दिशा दशा पढ़ाती हूँ स्कूल में और मेरी खुद की भी बहुत सारी हिस्ट्री रही है मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी ताकि अगर इस वजह से आप लोगों में से वो अगर मोटिवेशन आता है मेरे कहानी को देख कर तो मैं चाहूँगी कि मैं ज़रूर आपको बताऊँ। बिलगछिया हाई स्कूल से जनाब नासिर साहब हमारे बीच तशरीफ फरमा है इनका बहुत बड़ा खैर मकदम इस्तकबाल तालियों की गूंज से इनका इस्तकबाल कीजिए। दर्द दर दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को वरना ताक के लिए कुछ कम न थे कर लो बयान। अरे मुंह कैदी कर लाओ की करते चलो ठीक है नवाजे बैच बनाए और इस प्रोग्राम में खैर मकदम करें मोहम्मद वकील साहब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह नाजिल हुआ बढ़ोतरी हुई लेकिन उनकी एवरेज सैलरी जब निकाली गई तो मात्र 15,000 थी। इस नई शिक्षा नीति में दो तीन चीज और पहली और दूसरी कक्षा बच्चा अपने स्कूल में जाएगा इसको हमने इंश्योर करना है जिसमें आपकी भी भागीदारी उतनी ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम और आप मिलकर ही नई शिक्षा नीति को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो पहला 5 साल में जिसको कि हम लोग बोलते हैं फाउंडेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं और बहुत सारी सामाजिक कामों में जुड़े रहते हैं। सबसे बड़ी बात ये भी है जो हमारी तमाम सरगर्मियों को हमारे तमाम रोल को पूरा
जनाब सैयद नफीरुल इस्लाम साहब एडवोकेट सुप्रीम के जानिब से इनका खैर मकदम करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। नतीजा है जो आज ये इतना खूबसूरत प्रोग्राम आप लोग देख रहे हैं, मैं इसके बाद तालीम रहेगा, किस्सा रहेगा, आपका बच्चा आपको दिखाएगा मोबाइल में। बातें ऊपर से करने अलग है और साथ में चलना अलग है। स्कूल में पढ़ पढ़े हो बैटलमैन हाई स्कूल क्या बड़े होकर क्या बनना है तुम्हें? डॉक्टर। वेरी गुड। तुम्हारे मम्मी पापा कौन है? बोलो हाथ उठाने। क्या बनना है बड़े होकर? साइंटिस्ट। साइंटिस्ट बनना है।